नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम आपका? विनोद भाई राजपूत। कहाँ से आए हो? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र ये घोड़ा लिया है यार? देखिए ये फीमेल है, ये अभी हमने खरीदे यहाँ से। घोड़ी है? कौन सी नस्ल की है? कौन सी नस्ल की है? ये प्योर मारवाड़ है। प्योर मारवाड़ सिंधी में आएंगी थोड़ी। आप कहाँ से आ रहे हो? हम नासिक। नासिक यावला। अच्छा, तो बेचने के लिए नहीं आए यहाँ पे? नहीं, हम इधर सभी माल है ना, खरीदने के लिए आए। ये किस पर्पज से खरीद रहे हो? ये बोले तो अभी ये हमने पंचायत से आया। अच्छा अच्छा, मछली लेके जाऊँ? यावला मंडी के अंदर ही है, किसी लोग को बेचना। हाँ बोले तो दी हुई है पूना वाले से, पुणे को जाएंगे। जय मंगल है ना, दोनों आँख में गाड़ी आती है, तो इसको हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा मानते हैं। ये आँख है ना, दोनों आँख भारी होती है। और ये बाल घोड़े के आप साफ लेते हैं तो ये पंखड़े हमारे बहुत ऊँचे चलते हैं। आप ये कान के पीछे के भी बराबर में हम, और जब कच कलर नहीं, जब चावल पेर जब वाइट है इसके। अच्छा, ये इसको वाइट में हम ज़्यादा मानना चाहते थे हमारे महाराष्ट्र के लिए। ये महाराष्ट्र में इसका रेट अच्छा रहता है और इसको शुभ माना जाता है। ये जय मंगल और पंच कल्याण रखे, इसको बहुत ही शुभ और बहुत ही बढ़िया मच्छी माने जाते हैं। बाघ भोरी भी है ना इसके? बाल भोरी की साफ, इसकी हम गारंटी देते हैं। जिसको भी देना माल, हम उसकी गारंटी बाल भोरी की साफ देते हैं। इसकी कोई भी गलत भोरी नहीं, कोई नहीं। अभी ये 15 महीने की बच्ची हुई। तो आप इसको ले जाके सेल करोगे या घर पर तैयार भी करोगे? हम कैसा है सर, हम कभी बढ़िया बच्ची रही अच्छी तो हम घर पे भी रख लेते, और कोई दोस्त मिलने वाला है तो सेल भी कर देते। तो इसकी क्या डिमांड रहेगी वहाँ पे? अभी इसकी डिमांड समझो, खर्चा गाड़ी का किराया वराया निकाल के 1 लाख के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, और एकदम बढ़िया शानदार बच्ची है, बहुत ही बढ़िया है। और हमने काफी माल लिया, कम से कम 25-30 बच्चे दे हुए। और हम यावला मंडी में भी हमारा बहुत बड़ा कारण होकर के हम माल सेल करते हैं, छोटे बड़े हो या बड़े हो, बड़ी बड़ी हो। तो इस मेले में आप सिर्फ घर से नहीं लाए, तो यहाँ से आके लिए थे? हर साल खरीदते सर। अच्छा, हर साल आते हो? हाँ, हर साल माल खरीद के इधर से ले जाते और उधर से छोटा बड़ा माल उधर बेचते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छे नस्ल के लेते हैं जो हाइट करेंगे और बाल भौरी के साफ है, वही हम बच्चे लेंगे। कोई गलत भौरी और गलत माल नहीं लेते, क्या भाई आगे चल के उनके पास भी खिला पिला के बन सके, उनको भी आगे बनाना है। खर्चे है, किसान लोग खिलाते हैं इतना, उनको भी इतना 2-3 साल संभाल के भी उनका भी पैसा पानी बनने होंगे, और शौक किसी का ख़त्म नहीं होना। तो इसी के अंदर बाजे घोड़ा कोई हाइट नहीं करता, तो कोई बंदा 2-3 साल संभाल के नाराज हो जाता नहीं, तो उसका शौक ख़त्म हो जाता कि भाई 2 साल पाल लिया, काला अट्ठा नहीं बना, छप्पर नहीं बना। कम से कम घोड़ा पाला तो उसको 62-63 घंटे ही बनने वाला। बिल्कुल सही। और बहुत से लोग मिलने वाले भी आते हैं, तो घोड़ा लिखने होना बढ़िया कि भाई देखो घोड़ा बढ़िया है। अगर कोई दोस्त लोग आ जाते तो उसकी चीज़ भी ऐसे लिखने होना, नहीं तुमने सही घोड़ा पाल लिया। अच्छा, और 58 और 56 हाइट का घोड़ा हो, 2-3 साल उसकी मेहनत चले जाएंगी तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अब इनको अच्छी तैयार करने के लिए आप क्या क्या करोगे? सर हम देखो इसको तैयार करने के लिए कम से कम इसके हमारे जो किसान लोग हैं महाराष्ट्र के, ये तुरंत इनको दूध पिलाते, 2 टाइम में 2-2 लीटर 4-4 लीटर 10-10 लीटर तक दूध पिलाते। इसको गेहूँ खिलाएंगे, बाजरा खिलाएंगे। अच्छा, हमारे ऐसा महाराष्ट्र के हिसाब से जो भी किसान बन रहा है वो साल भर का अनाज है घोड़ों को साइड में ही निकाल के रखेंगे, जो रेस वाले और जो शौकीन है 10-50 पौधे इनके लिए स्पेशल रहेंगे। और दूध का मसला है तो खुद ही गाय खरीद लेंगे और खुद ही गाय को पालेंगे घर पे। और डाइट में क्या क्या देते हैं? और दूध के अलावा और क्या क्या देते हैं? दूध देते हैं, गेहूँ देते हैं भिजा के, या बाजरा देते हैं हम, कच्चा बाजरा, कच्चा गेहूँ देते हैं। अच्छा अच्छा, देसी? हाँ देसी, देसी। और उसके अंदर पावर भी बहुत रहता है, और ऐसा कभी दिया तो फिर जरा जिस जिसके हिसाब से हो, जो जो उनके उनके तरीके से देता है। पर गेहूँ बाजरा से घोड़ा बन नहीं सकता, चारे पे तो बनता ही नहीं, चारों से सिर्फ एक पेड़ भरता आना। जैसे अनाज दो ना, अपन धान दो ना, तो इससे शाइनिंग भी बढ़ती है घोड़े की, और हाइट भी बढ़ती है, और घोड़े का फिटनेस भी अच्छा रहता है। तो धन्यवाद।
आपके नंबर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो? मेरा नंबर 88 05 97 32। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद।